आई एवरी वर्न वेलकम टू जे आर कॉलेज यूट्यूब चैनल आई एम यूर फ्रेंड राहुल जय दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हो आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे कर रहे हो कि नहीं यार कमेंट करके बताओ फटाफट से जरूर से यार हम लोग को भी जानना होता है ना कि यार आप लोग स्टडी कर रहे हो कि नहीं देखो यार ये जो चैनल है हमारा जे आर कॉलेज इट इज ए पार्ट ऑफ जे आर टूटोल्स चैनल है इस चैनल पे आप देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से मेहनत किया जा रहा है इस चैनल को लॉन्च करके ज्यादा टाइम नहीं हुआ दोस्तों सिर्फ दो या तीन महीने हुए, हुए होंगे और इस चैनल पे कंटिन्यूस लगातार तीन महीने से हम काम कर रहे हैं और आप रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर्स तक आ चुके हैं लेकिन दोस्तों यहां पे हमको रुकना नहीं है आप लोग अगर और प्यार और सपोर्ट दिखाओगे अपने दोस्तों को शेयर करोगे इस चैनल के बारे में बताओगे तो बहुत जल्दी इस चैनल पर हम वन यानी कि वन लाख की, की फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए हमारे चैनल को और जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक तो है तो आज का हमारा शेड्यूल है हमारे प्यार इलेवन स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो कि उनका है विराट बैच तो विराट बैच में आपका अगेन स्वागत है और आज का जो शेड्यूल है केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया था अभी हम सीधा फोर्टीन चैप्टर के ऊपर आए हैं तो जो चैप्टर का नाम है दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है हम लोगों, ठीक है तो इस चैप्टर का ऑलरेडी तीन लेक्चर हमने पढ़ा दिया है, चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे वट डू मीन बाई पी एस इंडियन नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री याद आ रहा है कि नहीं पिछड़ा लेक्चर लेक्चर नंबर थ्री अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना क्योंकि उस थर्ड लेक्चर में हमने कई सारे ऐसी बातें बताई हैं जो आपको इस चाप्टर इस लेक्चर में काम आने वाली है तो आपको अगर याद दिला दो तो हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें सबसे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें पड़ी थी जैसे कि क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमने आपको पढ़ाया था फिर हमने जिगज लाइन बॉन्ड फॉर्मूला आपको याद होगा ये हमने पढ़ाया हुआ है फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन कौन कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं अर्ली साइक्लिक क्या, क्या होता है साइक्लिक क्या होता है ठीक है ना होमो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजुनाइड नॉन बेंजुनाइड ये सभी चीज हमने कवर करा दिया था दोस्तों अगर आपको याद दिलाऊं मैं ठीक है फिर उसके बाद हमने पढ़ा था होमोलोग सीरीज के बारे में और फिर हमने स्टार्ट किया था नॉमिनक्लेचर यानी नामकरण जिसको हम लोग बोलते हैं ना या तो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो आप कॉमन नेम से जान सकते हो या तो आईयूपीएसी नेम से जान सकते हो तो हमने पूरा कॉमन नेम पढ़ लिया था और हमने आई नेम की भी शुरुआत की थी दोस्तों जैसे कि आप होगा याद होगा आपको लेक्चर नंबर थ्री में ये हमने डिस्कस किया था पूरा आयूपीएससी नेम का तो हमने पूरा आपको बताया था कि आई पी एस नेम कैसे आता है लेकिन हम लोग आपको बोला था कि आई नेम का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जो कि आपका बेसिक टेंथ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा उसका एडवांस वर्जन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आज वो लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है रूल्स ऑफ आयूपीएससी नोमिनचर जी हाँ दोस्तों बहुत ही मजेदार टॉपिक है और अगर आप आज का लेक्चर पूरा ईमानदारी से और अच्छे तरीके से देखोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आयूपीएससी नेम देना और कोई भी कंपाउंड को पहचानना कि इसका नाम क्या हो सकता है ये आपको बहुत इजी लगेगा और केमिस्ट्री में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की के अगर मैं बात करूं ठीक है शुरुआत करें आज के लेक्चर की चलिए आप लोग को बस काम क्या करना है वीडियो को एंड तक देखना है अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहना है इस वीडियो के बारे में भी हमारे इस चैनल के बारे में भी और जे आर को तो आप जानते ही हो वहां से भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि वहां पर भी कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने पिछले साल इस साल बना के कंप्लीट करके रखे हुए हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ब्रांच सैचुरेटेड की ब्रांच सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है अब सैचुरेटेड का मतलब आप समझते होंगे सैचुरेटेड यानी कि एल्केन्स जो होते हैं या फिर सिंगल बॉन्ड एल्केन्स हो गया या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंगल

दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको उसका लॉन्गेस्ट चेन पहचानना है ये सब चीज आप पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड में तो उस लॉन्गेस्ट चेन को ही पेरेंट चेन कहा जाता है तो पेरेंट चेन को कैसे पहचानोगे सबसे पहले आपको क्या क्या करना है 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 मान लो कि example ये 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 दिया अब इस example में ये दिख रहा आपको ये क्या है? यहां से यहां इधर ब्रांच हुआ हुआ है ठीक है ब्रांच दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रांचिंग करके आया हुआ है और यहां से लंबा गया हुआ है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है कि इसका सबसे बड़ा कंटिन्यूस लॉन्ग चेन क्या बन रहा है यानी पेरेंट चेन क्या बन रहा है और उस पेरेंट चेन को बना के आप नंबर ऑफ स नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से अल्केन ग्रुप का पता लगा सकते हो तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना होगा कि मान लो कि सबसे लंबा चेन या तो ये हो सकता है या आप देख पा रहे होंगे ठीक है या तो सबसे लंबा चेन ये हो सकता है ठीक है या तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो ठीक है इसको भी कंसिडर कर सकते हो यानी कि यहां से लेके पूरा गया यहां तक आया फिर यहां से लेके यहां तक गया फिर यहां से आया फिर यहां से लेके यहां तक चला गया ठीक है ये वाला चीज तो इसका मतलब क्या है अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कलर चेंज करता हूं तो या तो आप ये पूरा लंबा ले लो ठीक है या तो आप यहां से ले लो इस प्रकार से ठीक है यहां से ले लो ठीक है दोनों ही केस आप ले सकते हो लेकिन आपको चेक क्या करना है कि सबसे लंबा पैटर्न लंबा चेन क्या बन रहा है तो यहां पर अगर आप देखोगे समझ लो आपको नंबरिंग देना होता है आपने टेंथ स्टैंडर्ड में सीखा है कि आपको नंबरिंग देना होता है मान लो आप यहां से नंबरिंग दे रहे हो तो वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर ये फोर नंबर और ये फाइव नंबर हो जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा फाइव नंबर हो जाएगा मतलब थ्री ये कार्बन को चौथा नंबर दे दिया और ये कार्बन को पांचवा नंबर दे दिया ठीक है अब या तो आप ये पूरा अगर एक साथ ले रहे हो तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये भी हो जाएगा पांचवा तो दोनों ही केस में जो सबसे लंबा पैटर्न बन रहा है सबसे लंबा चेन बन रहा है चाहे आपने सीधा ले लिया या फिर ऐसा करके ऐसा ले लिया तो भी पांच ही कार्बन का बन रहा है पांच कार्बन मतलब पेंटेन होता है ना एक कार्बन मिथेन दो कार्बन इथेन तीन कार्बन प्रोपेन चार कार्बन ब्यूटेन पांच कार्बन छह कार्बन, 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 नौ कार्बन, कार्बन चीजें तो दोनों ही केस पॉसिबिलिटीज है लेकिन नंबरिंग की शुरुआत कहां से की जाए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर आपको अगर मैं एक चीज बता दूं कि नंबरिंग की शुरुआत कैसे करनी है जहां पे कोई भी उसका ब्रांच नजदीक पड़ रहा हो तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ इसको मैं रफ कर लेता हूं इसको मैं मिटा देता हूं इसका काम हो गया समझाने का काम था मेरा इस चीज को अगर मैं मिटा दू तो जैसे मैंने बोला कि आप नंबरिंग यहां से दे दो इसको मिटा दो दो नंबरिंग यहां से दे दो, या फिर मतलब ये लंबे वाले चेन को कंसीडर कंसीडर करो करो या फिर इधर से टर्न जो हुआ है उसको दोनों ही केस में सेम है तो मैं क्या करता हूं लंबा वाला जो दिख रहा है मुझे जो एक साथ है उसको मैं कंसीडर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है लेकिन नंबरिंग ऐसे हमें नहीं देना है नंबरिंग कैसे देना है जहां से नजदीक पड़ता है क्या नजदीक पड़ता है

एन लेकिन एक कार्बन कम कर दिया जाए सॉरी एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो बन जाता है अल्काइल वैसे मिथेन का क्या बन जाएगा मिथाइल तो ये मिथाइल का ग्रुप है लेकिन कौन से कार्बन पे सेकंड कार्बन पे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग लिखेंगे ये पेंटेन तो रहेगा ही ये पेंटेन तो रहेगा ही लेकिन आगे लिख देंगे इसके टू मिथाइल क्या लिख देंगे टू मिथाइल पेंटेन मतलब इस चीज का आयुपीएससी नाम क्या है इस कंपाउंड का IUPAC नाम है मिथाइल मतलब दो सेकंड पोजीशन में मिथाइल मिथाइल ग्रुप है है और ये है, तो two pentane, ये पेंटेन पेंटेन तो उसका हो गया IUPAC नाम, किसका इस कंपाउंड का ठीक है समझ में आ रहा है देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स पता है आयुपीएससी का यह हमने टेंथ स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है इसके लिए मैं डायरेक्टली लेकर आ रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है तो कैसे कोई भी चीज का आईपीएससी नाम बताओगे सबसे लंबा चेन पहचानो उसमें नंबरिंग करो नंबरिंग किसके आधार पे करोगे यहां से वन लिखना चाहिए था कि यहां से वन लिखना चाहिए था, था कैसे पता किया नजदीक में इसके एक ब्रांच है ये नजदीक पड़ रहा है तो यहां से नंबरिंग जहां से नजदीक पड़ेगा वहां से नंबरिंग ये सब में सिखा हुआ है चैप्टर नंबर नाइन कार्बन कंपाउंड याद करो अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको समझा होगा यार या फिर अगर आपने ध्यान से नाइन चैप्टर पढ़ा होगा ना टेंथ स्टैंडर्ड का नाइन्थ चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा अब एक और देखो एग्जाम्पल यहाँ पे सी एस थ्री सी एस सी एस टू सी सी यहाँ पे सी एच टू का बॉन्डिंग होकर आ रहा है तो यहाँ अगर मुझे लंबा चेन पहचानना है तो लंबा चेन कैसे पहचानोगे ध्यान देना अगर मैं बात करूं इस तरफ से तो ये वन हो जाएगा ये 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 हो 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 जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये हो जाएगा तो चार ही कार्बन हो रहा है ये चार मुझे लंबा नहीं लग रहा है और अगर मैं इसको ऐसा कंसिडर करूं ध्यान से देखना अगर मैं इसको ऐसा कंसिडर करूं टू ये थ्री और इसको फोर बोल दू, इसको दूव बोल दो और इसको बोल दू तो यहाँ पे छह कार्बन का लंबा चेन हो रहा है तो छे कार्बन चलेगा ना मेरे को चार कार्बन ये चार कार्बन लंबा चेन है इससे अच्छा मैं छह कार्बन लंबा चेन तो हम लोग को क्या लेना लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है इसका मतलब ये छे कार्बन का क्या होता है हेक्सेन होता है छे कार्बन का क्या होता है हेक्सेन होता है तो लिख दिया साइड में हेक्सेन लेकिन नंबरिंग क्या वन इधर से करना चाहिए वन इधर से करना चाहिए कैसे पता चलेगा नजदीक क्या है अब ये मेरा एक एक्स्ट्रा है यहां पर मतलब ये ब्रांचिंग हो गया ये ब्रांचिंग हो गया बाकी है ये मेरा पेरेंट चेन तो वन टू थ्री पोजिशन पे सी एस थ्री है थर्ड पोजिशन में सी एस थ्री मतलब मिथाइल ग्रुप है अगर इसको भी वन देता तो वन टू थ्री फोर्थ पोजिशन में मेरा ये मिथाइल ग्रुप है मतलब अगर मैंने इसको वन दिया होता तो वन टू थ्री फोर्थ कार्बन पे होता मिथाइल ग्रुप तो फोर्थ कार्बन पे नहीं चलेगा थर्ड कार्बन पे चलेगा क्योंकि जितना नजदीक उतना अच्छा तो हम लोग क्या लिखेंगे यही बराबर है हमारा मतलब ये नंबरिंग बराबर है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो थर्ड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये पूरा क्या है है मतलब थ्री मिथाइल हेगेन तो आगे क्या लिख देंगे हम लोग थ्री मिथाइल हेगेन तो ये बन गया हमारा आई यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड समझ में आ गया इजी है अब तीसरा देखो क्या लिखा है तीसरा देख पा रहे हो अब इसमें मेरा लंबा ग्रुप लंबा आ, मतलब आ, जो कार्बन है उसमें क्या आएगा देखो अगर मान लो कि यहां पे मैं नंबर वन दे दू ये टू दे दू ये थ्री दे दू ये फोर दे दू, ये दे दू, सिक्स। मतलब ये ये मतलब छह कार्बन का बन रहा है क्या बन रहा है छह कार्बन का बन रहा है करेक्ट है दैट इज बन रहा है लेकिन अगर मान लो कि मैं यहां से वन देता वन टू थ्री ब्रांच होता था तो, तो ये चार ही बनता वन टू थ्री फोर फाइव यहां पे भी आता तो सिक्स ही होता मतलब चारों साइड से आप कहीं से भी आप लेके देखो कार्बन का ही बनेगा मतलब ये हेक्सेन ही बनेगा तो साइड में क्या बनने वाला है ना सी एच टू नहीं होगा सी एच थ्री होगा ना सी एच थ्री होगा माफ करना गलती से सी एच टू लिखा हुआ ठीक है समझ में आ गया क्लियर है कि नहीं सी एच सी एस सी एस थ्री यहाँ पे एस थ्री आ गया ओके करेक्ट है अब बराबर है है हम्म करेक्ट दो तीन चार पांच यहां पे भी सीएच आएगा फिर कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में यहां पे भी सीएच आएगा ठीक है अब यहां पे देखोगे लंबा चेन जो है यहां पे ये यह वाला है तो इसके हिसाब से सेकंड पोजीशन में मिथाइल थर्ड पोजीशन पे मिथाइल फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं टू कॉम थ्री कॉमा फोर ट्राई मिथाइल हेगेन ठीक है ना टू कॉमा थ्री कॉमा फोर ट्राई थोड़ा सा इसको मैं ना बाजू में करता हूं देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकंड पोजीशन में मिथाइल थर्ड पोजीशन में मिथाइल फोर्थ पे मतलब टू पे भी मिथाइल है थ्री पे भी मिथाइल है फोर पे मिथाइल है कितना मिथाइल है ट्राई मतलब तीन मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल Exam. तो ये आपका तो रूल तो तो सिखा, मतलब सिखा रहा खाली ये नाम एक्चुअली बताना नहीं था मुझे आप मैं आपको बताना चाहता कि कैसे करते वो बता रहा था। लेकिन साथ साथ में मैं नाम बता के चल रहा हूं अगला पे जाएंगे तो यहां पे रूल नंबर टू क्या बोलता है द पेरेंट चेन इज नंबर फ्रॉम वन एंड टू अदर अनादर मतलब

लोकल नंबर इज डिफाइन एज द नंबर फ्रॉम गिवन टू द कार्बन कंपाउंड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड ऐसा आप बोल सकते हो तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये सीएस थ्री है ये सी एस टू सी तो लंबा चेन ये हो गया मेरा ये लंबा चेन हो गया उसके सेकंड पोजीशन में मिथाइल है तो इसका नाम भी आप लिख सकते हो टू मिथाइल टू मिथाइल एक दो तीन चार कार्बन का है ब्यूटेन बन जाएगा तो टू मिथाइल टू मिथाइल ब्यूटेन बन गया ये बन गया आपका आईयूपीएसी नेम समझ में आ रहा है आईपीएससी ने मुझे बताना नहीं था लेकिन फिर भी साथ साथ में बता के चल रहा हूं ताकि आप लोगों को ईजी लगे यहाँ पे भी आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे भी चार है ठीक है ना यहां पे भी चार है क्लियर है दिख रहा है आपको यहां पे भी आपको चार दिख रहा है क्लियर तो नंबरिंग आप दे सकते हो और एक और चीज मैं आपको बताऊ जैसे मैंने आपको बताया कि नंबरिंग मैंने वन टू थ्री फोर क्यों दिया यहां से वन टू थ्री फोर क्यों दिया क्योंकि यहां से नजदीक है सीएस थ्री यहां से वन मैंने नहीं दिया यहां से वन क्यों दिया क्योंकि ये इसके नजदीक है तो जहां से नजदीक होता है तो हम यहां से तो मिथाई लाता तो जितना जल्दी आता है उतना तो थ्री पोजिशन में मिथाइल अच्छा है कि सेकंड पोजिशन में मिथाइल अच्छा है सेकंड पे अच्छा है इसके लिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे याद रखना समझ में आ रहा है क्लियर है क्लियर है समझ में आया तो लोकंट नंबर जिसको हम लोग नंबरिंग कहते हैं तो नंबरिंग क्यों देते हैं कैसे देते हैं जहां से वो नजदीक होगा जो भी ग्रुप होगा मिथाइल होगा या फिर आगे अल्काइल होगा या फिर आगे हेलोजन पढ़ेंगे जो नजदीक आता है वही वहां पे आता है क्लियर नेक्स्ट रूल नंबर क्या अल्काइल ग्रुप इज एडेड टू टू द द प्रीफिक्स पेरेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा याद रखना अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आता है जैसे कि यहां पर देखो यहां पे देखो जैसे मेरा लंबा चेन सिलेक्ट करना है मुझे सबसे पहला रूल क्या बोलता है कोई भी याद रखना कभी भी नेम अगर आपको लिखने के लिए आया तो सबसे पहले यह पहचान कि है लंबे चेन में या फिर टर्निंग में यहां पर भी पांच हो रहा है ठीक तो है।, है ना वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर भी अगर इस तरफ से गया तो भी पांच हो रहा है मतलब हर जगह से पेंटेन आने वाला है तो साइड में कहीं पे मैं लिख के रख सकता हूं कि इसका नाम क्या है पेंटेन मतलब पेंटेन का बनने वाला ही अल्किन ग्रुप लेकिन अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग मुझे कहां से देना है जहां से नजदीक होता है तो नजदीक सबसे पहले यहां पे ये यह, तो इसको मैं one दूंगा, इसको two दूंगा, इसको three दूंगा, इसको four दूंगा, इसको मैं दूंगा 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 यहां से क्यों दिया क्योंकि अगर मैंने इसको वन तो आता जो ब्रांचिंग हो रहा है। तो पे ब्रांचिंग होता तो यहाँ पे तो सेकंड पे ब्रांचिंग हो रहा है इसके लिए हमने इस तरफ से नंबरिंग चूज किया मतलब यहां से वन टू थ्री फोर फाइव किया तो पांच का बन गया पेंटेन पांच कार्बन का चेन क्या होता है पेंटेन होता है लिख दिया पेंटेन उसके बाद फर्स्ट सेकंड कार्बन पे है एक मिथाइल ग्रुप तो लिख दोगे यहां पर क्या लिखोगे टू मिथाइल क्या लिख दोगे? टू मिथाइल लिख दिया अब थर्ड पोजिशन पे क्या है थर्ड पे देखोगे तो एक CH2, है. CH2, प्रोपाइल बन जाएगा सीएस टू सी एस टू बन जाएगा तो थर्ड पोजिशन पे क्या है, प्रोपाइल, ए, है. तो मैं क्या लिखूंगा थर्ड पोजिशन में थ्री पे क्या है इथाइल ठीक है थ्री पेंटेन लेकिन क्या ये सही है क्या नहीं सही नहीं है क्यों क्योंकि तो रूल नंबर थ्री क्या बोलता है कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि जिसमें एक ही के अंदर मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है ग्रुप भी आ आ रहा है या फिर ऐसे दो तीन आ रहे हैं ना तो उसमें अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर फॉलो फॉलो करना करना है मतलब सबसे पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि ई e पहले आता है और एम बाद में आता है ए बी सी डी ई पहले आता है ना तो ये थ्री इथाइल पहले आएगा टू मिथाइल बाद में आएगा यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे थ्री इथाइल थर्ड पोजिशन पे है इथाइल उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे है मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड उसके बाद आएगा पेंटेन तो ये बन गया आपका नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या बन गया कि थ्री इथाइल टू मिथाइल पेंटेन समझ में आ गया इजी है क्लियर देखो यार मुझे पता है आयूपीएससी नेम इतना भी इजी नहीं है जितना मैं बता रहा हूं आई नो दैट अभी तो ये बहुत बेसिक वाले एग्जाम्पल है बहुत बेसिक वाले आयुपीएससी नेम बता रहा हूं लेकिन फिर भी इन चीजों को भी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं बेसिक लेवल पे जा रहा हूं इतना मतलब बोलते हैं ना एकदम बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है कमेंट करते जाना अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी बताते रहना कि इतना बेसिक तरीके से यहां पे पढ़ाया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्या है रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर क्या बोलता है इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्सटीटेंट मतलब क्या होता है कि मान लो कि दो या फिर दो से ज्यादा आइडेंटिकल मतलब सेम सेम आ गया जैसे हमने स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल देखे ना डायमिथाइल वाले ठीक है ना दो मिथाइल वाले अगर ऐसा आया तो हम लोगों को क्या करना है प्रेजेंट देन राइट ट्राई टेट्रा मतलब दो अगर सेम सेम आ गया तो डाय लिखेंगे तीन सेम आ गया तो ट्राई लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट बताया ना आपको एग्जाम्पल ये वाला यही वाला देखो कि अगर एक दो तीन 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 मिथाइल आ गए तो हमने क्या यूज किया ट्राई मिथाइल यूज किया तो ये आपको पहले ही बता दिया मैंने रूल्स तो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग रूल पढ़ाने पहले ही मैंने आपको ये चीज समझा दिया था लेकिन फिर भी यार टॉपिक वाइज चलना है हम लोग को तो रूल के हिसाब से ही बता देता हूं क्या चल रहा था हमारा ये वाला ना तो रूल नंबर क्या है जब दो या फिर दो से ज्यादा या फिर दो तीन चार जब भी आते हैं तो दो अगर आया सेम सेम वाले तो उसको हम लोग बोलेंगे तीन आया आया सेम सेम वाले, उसको और चार आया, सेम सेम वाले वाले तो उसको उसको बोलेंगे बोलेंगे और चार तो टेट्रा जैसे कि यहां है यह दिख रहा है, इसका नाम मुझे बताना है तो सबसे पहले कैसे करेंगे हम लोग इसका यह बनाएंगे क्या बोलते हैं उसको पेरेंट चेन बनाएंगे सबसे लंबा चेन देखो अगर मैंने इसको वन लिया इसको टू लिया इसको थ्री लिया तो तीन कार्बन बनेगा स्ट्रेट चेन तीन कार्बन बनेगा अगर मैंने एक इसको लिया दूसरा इसको लिया नीचे आ गया तो यहां पे भी तीन बन रहा है इधर से लेके ऊपर गया तो यहाँ पे भी तीन बन रहा है यहां से लेके इधर आए तो भी तीन बन रहा है मतलब हर जगह देखोगे तो तीन बन रहा है सबसे लंबा चेन मेरा तीन कार्बन का है तीन कार्बन मतलब क्या होता है दोस्तों प्रोपेन होता है लिख दिया प्रोपेन तीन कार्बन मतलब प्रोपेन फिर आप देखोगे अगर मैं यहां से नंबरिंग दू वन टू थ्री तो सेकंड पोजिशन में एक ऊपर मिथाइल है एक नीचे मिथाइल है ठीक है तो यहां से नंबर दू कि यहां से नंबर दू तो यहां से भी अगर नंबर दू वन टू थ्री तो सेकंड पोजिशन भी आ रहा है मतलब दोनों ही जगह से इक्वल आ रहा है तो यहां पे मैं वन दे देता हूं यहां पे सेकंड देता हूं यहां पे थर्ड लोकंट नंबर दे दिया मैंने वन टू थ्री लिखा है इसको क्या बोलते हैं लोकंट नंबर अभी पढ़ा है आपको तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता तो एक ही बात हो जाती तो चल जाता तो सेकंड पोजीशन के कार्बन पे आप देखोगे तो ऊपर एक मिथाइल है नीचे भी एक मिथाइल है मतलब सेकंड पोजीशन क्या है दो मिथाइल है तो हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड पोजिशन पे दो मिथाइल है यानी डाय मिथाइल क्या है टू डाइमिथाइल प्रोपेन ये क्या हो जाएगा इसका यूपीएससी ने कि टू डाई मिथाइल प्रोपेन क्या है यह टू डाय मिथाइल दो मिथाइल है ना इसके लिए डाय तीन होता तो ट्राई यूज करते हैं यहां पे दो ही है देखो एक ऊपर मिथाइल नीचे दो मिथाइल दो मिथाइल मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये? ये है, है या फिर कंपाउंड बोल सकते हो ये अनसैचुरेटेड का पढ़ना है आप इसके पहले जो पढ़ा वो अल्किनस का ही पढ़ा मतलब था सिंगल बॉन्ड था अब अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे इसका मतलब डबल बॉन्ड वाली चीजें पढ़ने वाले ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजें पढ़ने वाली तो पहला रूल इसमें क्या बोलता है कि जो एंडिंग हो रहा है अल्केन में क्या एंडिंग हो रहा था अल्केन का अब अलकेन की जगह पे अल्किन आएगा अल्किन की जगह पे अलका आएगा तो ई रिप्लेस हो जाएगा या तो ईनी ई मतलब डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड होगा और ई मतलब अलकाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो याद रखना ई एन या फिर ई से रिप्लेस होगा जैसे एक्साम्पल है यहां पे सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो इसको सबसे पहले नंबरिंग कैसे देंगे नंबरिंग कैसे देंगे जैसे मैंने बोला या तो आप यहां से नंबरिंग दे दो वन टू थ्री फोर ठीक है स्ट्रेट चेन है या तो आप यहां से दे दो लेकिन कहां से दोगे जैसे मैंने बोला जहां से कुछ चीजें उसकी नजदीक में हो तो यहां से कुछ भी चीज नहीं है लेकिन यहां से डबल बॉन्ड नजदीक है देखो ये जो पोजीशन है यहां से डबल बॉन्ड नजदीक है तो कोई भी चीज जब नजदीक आती है तो वहां से नंबरिंग करना होता है तो ये हो जाएगा वन ठीक है ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा फोर ठीक है अब सेकेंड फर्स्ट पोजिशन में आप देखो फर्स्ट पोजिशन के ही कार्बन पे फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यह है क्या ये पूरा है क्या ये पूरा है ये पूरा पूरा है है ब्यूटेन ब्यूटेन चार कार्बन का क्या क्या होता है? लेकिन डबल बॉन्ड आने से ये क्या बन जाएगा ब्यूटीन बन जाएगा क्या बन जाएगा ब्यूटीन क्या बन जाएगा ब्यूटी ब्यूटीन होता है ना ठीक है ना ब्यूटेन ब्यूटीन बराबर पहले एक्चुअल में ये ब्यूटेन था लेकिन ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब ये क्या बन गया ब्यूटीन बन गया अब सेकेंड फर्स्ट पोजीशन पे ही ये ईन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड जो है वो कौन से पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे ही है। तो यहां पे हम लोग को एक एडजस्ट करना होता है कि हम क्या करेंगे ये ई एन बाजू में करेंगे और इसके बीच में हम लोग को लिखना होता है कि कौन सा पोजीशन पे है तो वन पोजीशन में है तो इसके लिए इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ब्यूट वन इन सेकंड पोजिशन में होता तो ब्यूट टू इन ई थर्ड पोजीशन में होता तो ब्यूट थ्री होता लेकिन थ्री नहीं होता है ब्यूटेन में अगर थर्ड पोजीशन पे आता तो हम लोग यहां से काउंट करते समझ में आ रहा है तो ये ब्यूट यानी ब्यूटीन जो है इसका नाम हो गया मतलब डबल बॉन्ड अब देखो ये वाला इसको देखो ये क्या है एग्जाम्पल इसको समझो क्या बोल रहा है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री ये चार कार्बन है मतलब है? है। मतलब ब्यूटेन होता है लेकिन यहां पे आ गया है ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से क्या हो गया कि जैसे मैंने बोला एनि हट जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आने के वजह से मेरा एनी हट जाएगा और एनी की जगह पे क्या आ जाएगा वाई एनी आ जाएगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड क्या था एनी हटा के दैट इज ब्यूट वन हो गया डबल बॉन्ड वजह से लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा वाई यानी अल्काइन तो वाई एनी बन गया अब कौन से पोजीशन पे नंबरिंग देना है वो इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बोला जहां से नजदीक पड़ेगा वहां से देना है नजदीक कहां से पड़ रहा है यहां से तो वन टू थ्री फोर तो ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक है कि यहां से नजदीक है यहां से नजदीक है तो नंबरिंग इसको बन दो ये टू ये थ्री और ये फोर कार्बन चार कार्बन हो गए पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि अब इसको क्या करना है वाई एन को थोड़ा सा सरकार देना है बाजू में और इसके बीच में उसका पोजीशन डाल देना है फर्स्ट पोजिशन में ट्रिपल बॉन्ड है यानी ब्यूट वन वाईन और ये बन गया उसका आई नेम तो ब्यूट वन वाई एन इज नथिंग बट आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड करेक्ट है क्लियर है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह चीज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा तो देखो यही है पूरा चैप्टर आई यूपीएससी नेम कॉमन नेम ये सब हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ के और जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इलेवन स्टैंडर्ड में था तो मेरे को ये बहुत मजा आता था अभी तो आप इलेवन पढ़ रहे हो तो बेसिक पढ़ रहे हो आप ट्वेल्थ में जाओगे ना ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा तो आप बोलेगे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लव सच में बहुत जबरदस्ती है ठीक है चलो नेक्स्ट रूल नंबर टू क्या बोलता है रूल नंबर टू देखो इफ मल्टीपल बॉन्ड इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड मतलब अगर

गया सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री अब ये है क्या? इसका कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है लंबा चेन पैरेंट चेन क्या होगा एक दो तीन चार पांच छह छह कार्बन का लगातार हो रहा है या उसको नहीं लेंगे तो इसको ले सकते वन टू थ्री फोर ही होगा या फिर इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पे भी छह ही हो रहा है तो आपको पता चल गया कि ये क्या हेगजेन है ठीक है इसका पेरेंट नेम क्या है हेक्सेन लेकिन आप देख सकते हो कि यहां पे क्या है डबल बॉन्ड आ गया तो ये होगा होगा हेक्सेन नहीं हो, हेक्जीन हो गया तो यहां पे हम लोग ए एनी हटा के क्या लिखेंगे ई ई ई लिखेंगे एन e -E. बन गया क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ठीक है अब आपको न, देना है नंबरिंग और उसमें डालना है तो क्या करोगे जैसे मैंने बोला कि यहां पर अगर आप देखो ठीक है हाँ इसमें ना थोड़ा सा शायद मैंने एक 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 चीज शायद गलत लिखा है डबल बॉन्ड शायद एक पोजीशन का मिसमैच हो गया वन हाँ, नहीं बराबर बराबर है बराबर. लिखा है लिखा मैंने काउंटिंग कर दिया है. तो अगर मैं यहां से नंबरिंग दे दू वन टू थ्री तो थर्ड पे आ रहा है यह और यहां से भी नंबर One, two, three. तो यहां पर भी थर्ड नंबर पर आ रहा है तो ऐसे केस में क्या करना है वही चीज यहां पर बोला है कि अगर हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देख रहे होंगे तो वो जहां से नजदीक होता है वहां से नंबरिंग करते हैं लेकिन यहां पे क्या है दोनों साइड से सेम ही नंबरिंग आ रहा है तो क्या करें तो उस केस में क्या करना है आपको देखना है कि कहीं कोई ब्रांचिंग तो नजदीक नहीं है तो ब्रांचिंग नजदीक है क्या अगर हम देखेंगे इसको अगर मैंने दिया होता मतलब इसको अगर मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिया होता तो सेकंड पोजिशन पे मेरा एक मिथाइल ग्रुप आ गया मतलब ब्रांचिंग हो गया और यहां पे अगर नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिया होता तो वन टू थर्ड पोजीशन पे आता तो सेकंड अच्छा है कि थर्ड अच्छा है सेकंड अच्छा है जितना नजदीक उतना अच्छा तो नंबरिंग हम लोग यहां से देंगे तो इससे पता चल गया कि ये मेरा नंबरिंग हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इसके वजह से क्या हो गया कि हमको पता चल गया कि फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे क्या है सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है फोर्थ पोजिशन पे क्या है मिथाइले मतलब सेकेंड पोजिशन पे और फोर्थ पोजिशन में मिथाइल है मतलब कितने है? एक मिथाइल दो मिथाइल मतलब क्या हो गया डाय मिथाइल ये क्या हो गया डाय मिथाइल ठीक है और ये जो डबल बॉन्डीन वाला जो डबल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे है फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन के पोजीशन पे तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है मतलब यहां पे आपको क्या करना है जैसे मैंने बोला कि आपको ई e एन &E को थोड़ा सा साइड करना है और यहां पे थर्ड पोजीशन पे है तो वो लिख देना है तो आपका ये क्या बन गया दैट इज नथिंग बट टू फोर डाय मिथाइल गया यहां पे डैश मारने की एक्चुअली जरूरत नहीं होती है एक मिनट ठीक है थोड़ा सा सेव हो रहा है दो सेकंड लगेगा सेव हो जाएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चीजें मिट जाती है तो हम लोग सेव कर लेते हैं ठीक है तो यह क्या हो गया टू फोर डाय मिथाइल हैग्स थ्री क्योंकि थर्ड पोजिशन में आप देखोगे थर्ड पोजिशन में मेरा क्या आ रहा है

ठीक है डाइन <laughs> देखो अगर क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट चेन है जिसमें अंदर दो डबल बॉन्ड आ गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है दो से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो इस केस में क्या करना है तो अगर दो डबल बॉन्ड आ गया तो एक आता था तो ई नहीं लिखते थे एक आता था तो ई नहीं लिखते थे लेकिन दो अगर आ गए तो डाई नहीं लिखेंगे डाय नहीं मतलब दो बार ये नहीं वही अगर अलकाइन का ग्रुप है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड आता था तो वाईए नहीं लिखते थे लेकिन दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई वाई नहीं लिखेंगे डायवाई नहीं ठीक है तो इन या फिर डाय ठीक है अब इसको समझते हैं जैसे ये दिया हुआ है सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एस सी सी एस यहां पर तो एक दो तीन चार पांच है मतलब क्या लिखा हमने पेंट यहां पे क्या लिखा क्या लिखा पेंटेन लिख दिया पेंटेन लेकिन ये डबल बॉन्ड है यहां पे तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे पेंटेन का क्या लिखेंगे पेंटीन लिखेंगे क्या लिखेंगे पेंटीन लिख दिया ओके

और थर्ड पोजीशन में क्या है डबल है तो हमने लिख दिया पेंट वन थ्री ठीक है सॉरी दो दो डबल बॉन्ड है तो डाय आएगा यहां पर डी आई तो देखो यही चीज है जो हमने लिखा हुआ है देखो यही है ना पेंटा थ्री वन थ्री डाईनी तो आ गया हमारा आंसर दिस करेक्ट है

हैलोजन जिसको एक्स के नाम से जाना जाता है लेकिन आपको ये सब चीज ध्यान में रखनी है तो कभी भी अगर c w s दिख रहा है तो आपको इसके आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है मतलब जो भी उसका अल्केन रहेगा पैरेंट नेम जो भी रहेगा उसके आगे सफिक्स मतलब क्या होता है उसके आगे मतलब ये जो भी उसका नाम है और उसके आगे, आगे आपको लिख देना है ओआईसी एसिड तो वो बन जाएगा उसका एसिड क्या बन जाएगा उसका एसिड बन जाएगा वैसे ही ओयल, अगर एल्कोहल आ रहा है एल्कोहल आ रहा है तो उसका नेम कैसे लिखोगे जो भी उसका नाम रहेगा उसके जाएगा उसका पहले नहीं आगे मतलब बाद में एल लिख देना मतलब कीटोन अमाइन लिख दिया मतलब जो भी नाम है उसका उसका अमाइन लिख दिया तो बन जाएगा अमाइन का आयुपीएस नेम और हेलोजन एक ऐसा चीज है जिसमें आपका क्लोरीन मतलब सीएल लिखा होगा ब्रोमीन यानी बी आर लिखा होगा आयोडीन यानी आई लिखा होगा तो इस केस में यही एकमात्र ऐसा चीज है जिसको आगे लिखा जाता है यानी प्रीफिक्स में लिखा जाता है क्या लिखा जाता है प्रीफिक्स में तो अगर कोई भी नाम लिखा हुआ है उसके आगे आप नाम लिखोगे जैसे क्लोरीन है तो आप ऐसा लिखोगे क्लोरो क्या लिखोगे क्लोरो ब्रोमो आयोडो तो उसके आगे लिखना है मतलब पहले लिखना है समझ में आ गया ये चीज बस ध्यान में रख लो याद कर लो बाकी सब चीज आपको इजी लगेगा तो चलो आते हैं टॉपिक पे ये तो आपको समझ में आ गया, गया। इसको बाहर कर लेना है कि कब किसके आगे लगेगा और कौन सा चीज किसके पहले लगेगा ये याद रखने ला अब मैं आपको आईपीएससी नेम कुछ बताने जा रहा हूं चलो ये मैंने लिख के लाया है अब इसको हम लोग आप और मैं मिलके दोनों साथ में सॉल्व करेंगे कुछ गलती हो जाएगी तो प्लीज माफ कर देना मेरे को ठीक है जैसे कि जानते हो कि यार केमिस्ट्री मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए आप लोग को आप लोग के लिए चलो अब यहां पे अगर आप देखोगे राइट द आयुपीसी नेम हमें सबके नेम लिखने इतने सारे लिख के लाया हूं चलो अब पहले का नेम लिखता हूं क्या हो जाएगा बताओ हूँ थ्री तीन कार्बन है एक दो तीन कार्बन है उसके साथ जुड़ा मतलब एल्कोहल है लेकिन कितने कार्बन है नंबरिंग भी देना है जैसे आप जानते हो ना पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो नंबरिंग देना है यहां पे देखोगे तो यहां पे इस कार्बन पे ओ एच नजदीक है मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है यहां से नजदीक है तो नंबरिंग वन टू थ्री होगा मतलब फर्स्ट कार्बन पे एल्कोहल आ गया और ये है क्या तीन कार्बन का मतलब होता है है प्रोपेन प्रोपेन तो ये बन गया ठीक लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OH का तो आपको रूल्स पता होगा जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है तो लास्ट का ई e हटाना होता है और ई e की जगह पे लिखना होता है उसका कंडेंस फॉर्मूला तो जो हमने पढ़ा एल्कोहल के लिए क्या लिखना होता है जो भी नाम होता है उसके बाद ओएल लिखना होता है तो लिख दिया ओएल लेकिन सिर्फ ओएल से काम चलेगा का क्या नहीं OIL के साथ कौन से पोजिशन पे है उसका नंबरिंग लोकंट नंबर लिखना भी इंपॉर्टेंट है तो ये फर्स्ट में ये है तो इसको मैं लिखूंगा कैसे ओयल को थोड़ा सा बाजू रखूंगा और बीच में डाल दूंगा उसका नंबर जो कि है one. तो ये बन गया प्रोपेन ऑल ऑल क्या बन गया प्रोपेन प्रोपेन मतलब था उसके फर्स्ट पोजीशन में अल्कोहल है इसके लिए प्रोपेन वन ऑल समझ में आ गया सेकंड देखो यहां पे इसको देखो ये क्या है सी एस थ्री सी एस सी एस थ्री एक कार्बन मतलब ये तीन कार्बन का मतलब ये अगेन प्रोपेन होगा ये भी होगा प्रोपेन ठीक है अब नंबरिंग कैसे दोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड दूंगा तो सेकंड पे अल्कोहल आ रहा है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड दूंगा तो सेकंड पे ही अल्कोहल मतलब दोनों साइड से सेम है तो यहां से दे दे देता हूं one, two, three दे दिया मैंने इसको नंबरिंग दे दिया मैंने जब जैसे बोला कि ये पे आए प्रोपेन है लेकिन साथ में एल्कोहल ओयल दिख रहा है तो ये क्या बनेगा प्रोपेन बनेगा तो आपको क्या करना है ई e हटा के ई e हटा के ओएल लिख देना है ई e हटा के ओएल लिख दिया लेकिन बीच में क्या आएगा उसका नंबर आएगा तो कौन से नंबर पे है फर्स्ट सेकंड नंबर पे अल्कोहल का ग्रुप है मतलब प्रोपेन

स्ट्रेट चेन कितना है चार कार्बन का मतलब ये ब्यूटेन सी डबल बॉन्ड रहा है लिख दो ओयनी क्या बन गया ब्यूटेनोन लेकिन पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है नजदीक कहां से पड़ेगा यहां से पड़ेगा कि यहां से पड़ेगा यहां से पड़ेगा? पड़ेगा तो ये वन टू थ्री फोर सेकेंड पोजिशन में है कीटोन का मतलब ये हो जाएगा ब्यूटेन बाजू को बाजू सरकाओ और लिख दो यहां पे सेकंड पोजीशन यानी ये हो जाएगा ठीक है ठीक है समझ में आ गया क्लियर है ना यार अभी तो यार आपको समझ में आ रहा होगा बहुत इजी तरीके से यार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं अब ये देखो इसका नाम बताओ ठीक है कुछ होमवर्क देने वाला हूं मैं आप लोग को कुछ चीजें होमवर्क भी देने वाला हूं सी एस थ्री सी डबल आप देखो फास्ट जाऊंगा अब आपका जो कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए सब कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अब फटाफट करना चाहिए इसको पहचान देखो फटाफट से पहचानता हूं मैं एक दो तीन चार पांच कार्बन पांच कार्बन मतलब पेंटेन पेंटेन है लेकिन सेकंड पोजिशन पे, मतलब बनेगा। बनेगा? पेंटेन। पेंटेन 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 पे है और ओ ओयनी मतलब यह बन गया पेंटेनोन क्या बन गया ये पेंटेनोन देखो आपके सामने फटाफट करके दिखा रहा कैसे पहचानना है इसको कैसे पहचानोगे देखो ध्यान से कैसे पहचानोगे सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू तीन कार्बन मतलब प्रोपेन BR आ गया मतलब bromide. Bromide मतलब halogen group. Halogen group मतलब मतलब पहले पहले लिखना है है आएगा पहले आएगा तो पे first, second, third. Third, first position में वन ब्रोमो मतलब क्या है ये एक दो तीन कार्बन मतलब प्रोपेन वन ब्रोमो प्रोपेन बन गया ये ठीक है क्या बन गया वन ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम बताओ कौन बताएगा एक ही कार्बन है एक कार्बन मतलब मिथेन एक कार्बन मतलब मिथेन। लेकिन ये क्या है सीएचओ है CHO का पहचान आ, आ रहा है कि नहीं यही चीज है यार केमिस्ट्री यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम बताओ देखो नजदीक यहां से है तो वन टू थ्री फोर चार कार्बन मतलब होता है ब्यूटेन बराबर मन में रखो मन में रखो चार कार्बन मतलब ब्यूटेन फर्स्ट सेकंड पोजीशन में है क्लोरीन मतलब क्लोरो मतलब क्या लिखेंगे सेकंड पोजीशन में है क्लोरो टू क्लोरो और ये पूरा कार्बन कंपाउंड क्या है ब्यूटेन 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 का तो क्लोरो क्लोरो क्या बन गया? ये बन गया आ गया गया ये आ आंसर कितना इजी है यार आ रहा कि नहीं ये देखो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी डबल ओ एच एक दो तीन चार कार्बन चार कार्बन क्या होता है ब्यूटेन होता है ठीक है लेकिन ये सी डबल ओ एच है मतलब ये एसिड है कौन सा एसिड ओ आई सी कार्बोक्सिल एसिड का तो ई हटा के क्या लिख दिया आपने ओआईसी एसिड तो ये क्या बन गया ब्यूटेनोइक एसिड लेकिन पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है तो यहां से शुरू होगा वन टू थ्री फोर सेकंड फर्स्ट पोजीशन में है तो वन लिखने की जरूरत यहां पे नहीं है तो डायरेक्ट बन गया ये ब्यूटेनोइक एसिड समझ में आ रहा है क्लियर है ओके okay, है तो यार बस इसी के साथ फिर आज का जो वीडियो है मैं एंड करता हूं दोस्तों काफी थक भी गया मैं बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के लेकिन उम्मीद करता हूं अब आपको आयूपीएससी नेम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा जैसे तो ये इलेवंथ है वैसे ट्वेल्थ में और ज्यादा डिटेल में सीखोगे और भी बहुत सारी चीजें बाकी है इथर है है और भी कई सारी चीजें हम लोग सिखाएंगे टेंशन मत लेना लेकिन एक बेसिक तौर पर इलेवन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये आपने सीख लिया आयूपीएससी नेम को देना क्लियर है दे पाओगे कोई भी आईपीसी नेम तो जरूर से मेहनत करना प्रैक्टिस करना तो मैं आज का वीडियो इसी के साथ एंड करता हूं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा है? जरूर से कमेंट करके बताना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पर तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर देना ठीक है दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय